हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। जैसे कि अभी कल हमने वीडियो अपलोड किया था फार्माकोलॉजी का और फार्मास्यूटिक्स का, जिसमें सारे डिप्लोमा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे, और आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम इसके बारे में बताएंगे भी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बेसिस पे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हम सबसे पहले आपको एक बात बताएंगे कि जैसे आपको पहले 3 पेपर होना था तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना था, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ आपका 1 पेपर होना है, तो आपके 1 पेपर के अनुसार ही हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल उसका एमसीक्यू देखना है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को ही अटेंड करें, क्योंकि आपको 1 पेपर में ही सारा सब्जेक्ट को कवर करना है। जैसे फार्माकोलॉजी हुआ, फार्मास्यूटिक्स हुआ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी हुआ, हॉस्पिटल फार्मेसी हुआ, उसके बाद से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हुआ, ये सारे सब्जेक्ट क्या है, आपको एक ही सब्जेक्ट में कवर करना है। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखते हुए आपको केवल इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो हम केवल आपके एग्जिट एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज अपलोड कर रहे हैं, तो इसको जरूर देखें, और आपसे बोलेंगे कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और हर एक वीडियो आप एक एक करके देख सके। और एक बात और बता दूं कि मेरे चैनल पे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और सोशल फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट सिलेबस वाइज जो है अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके नोट्स बना सकते हैं, वहाँ से जाके आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट भी करें, और अगर किसी को सजेशन है कि सर इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाइए, तो जरूर कमेंट में डालें और कमेंट करके बताएं कि सर इस सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनाइए या इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं एग्जिट एग्जाम के लिए, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक सब्जेक्ट में और हर एक कोर्स में ये पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इस एमसीक्यू में डाला है। तो फर्स्टली देखेंगे व्हाट इज सेल, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर सेकेंड है स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द टिश्यू, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑर्गन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, वो होगा ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, क्योंकि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर द सेल, सेल को यानी कोशिका को सबसे पहले खोज किसने किया था, तो फर्स्ट इज द रोडोल्फ विर्चो, सेकेंड इज द रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड इज द रॉबर्ट हुक, और फोर्थ इज द एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक होगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क में जो है सेल की खोज किया था, ठीक है, कोशिका का खोज किया था, ठीक है, लेकिन ये निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु वाज द डिस्कवर्ड लिविंग सेल, जो जीवित कोशिका खोज किसने किया था, अभी हमने क्या बोला था, निर्जीव कोशिका, निर्जीव कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका खोज किसने किया था इसके बारे में जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट विर्चो, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट वैन लीवेनहॉक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, क्योंकि जो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक है ये लिविंग कोशिका को खोज किए थे, उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने उसको खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट ऑर्चिजेट, आंसर नंबर सेकेंड पीपीएलओ, आंसर नंबर थर्ड स्पर्म, और आंसर नंबर फोर्थ है ओवम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है पीपीएलओ, जिसको हम बोलते हैं प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल,
लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑर्चिज एग, ऑप्शन नंबर सेकेंड पीपीएलओ, ऑप्शन नंबर थर्ड स्पर्म, ऑप्शन नंबर फोर्थ ओबम। तो इसमें ऑर्चिज एग जो है लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी में है वो स्मॉलेस्ट सेल क्या है? तो इसमें ऑप्शन चार दिए गए हैं, चार ऑप्शन हैं। पहला है ऑर्चिज एग, दूसरा है पीपीएलओ, तीसरा है स्पर्म और चौथा है ओबम। तो इसमें स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या है? तो आंसर नंबर जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ऑर्चिज एग, दूसरा है पीपीएलओ, तीसरा है स्पर्म और चौथा है ओबम। तो ओबम इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है, सबसे लंबी सेल ह्यूमन बॉडी में क्या है? तो ऑर्चिज एग, पीपीएलओ, स्पर्म, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द राइट आंसर, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? सेल के कितने टाइप्स होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि जो सेल होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में भी, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए 70s, ऑप्शन नंबर बी 80s, ऑप्शन नंबर सी 90s और ऑप्शन नंबर डी 60s। तो 70s इज द राइट आंसर, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो 70s का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है 70s, 80s, 90s, 60s। तो इसमें 80s इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो 80s होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल, ऑप्शन बी इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसमें बोथ होगा, दोनों होगा, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेल को सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? किसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? पहला है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकांड्रिया, चौथा है गोल्जी अपरेटस। तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो लाइसोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मघातीय थैली बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? पहला है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकांड्रिया, चौथा है गोल्जी बॉडी। माइटोकांड्रिया को क्या हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर फोर्थ नॉन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या फंक्शन क्या है, ये मेनली प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का शेप क्या है? पहला है राउंड शेप, दूसरा है स्फेरिकल या ओवल शेप, तीसरा है स्क्वायर शेप, चौथा है ट्रिंगल शेप। तो जो राइबोसोम का शेप है वो मेनली स्फेरिकल और ओवल शेप होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रुप ऑफ द सेल, ऑप्शन नंबर सेकेंड ग्रुप ऑफ द ऑर्गन, ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रुप ऑफ द बॉडी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द सिस्टम।
तो टिश्यू को मेनली हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रोवाइड्स कवरिंग टू द अदर टिश्यू। किस टाइप के टिश्यू दूसरे टिश्यू को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है सिस्टेमिक टिश्यू और चौथा है मस्क्यूलर टिश्यू। तो इसमें जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सबको कवरिंग को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखेंगे इन विच हाउ मेनी द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसमें कितने टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन नंबर सेकेंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ ऑफ द एबव एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, क्योंकि जो इपिथेलियल टिश्यू है मेनली सिंपल इपिथेलियल टिश्यू होता है, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू है इसमें दिया गया है, बाकी टिश्यू को और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप जब टिश्यू हमारे चैनल पर जाके देखेंगे तो टिश्यू को हमने अच्छे से क्लासिफाई किया गया है, वहां पे टिश्यू को अलग अलग जितने टाइप्स हैं सबको हम क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे विच टाइप्स ऑफ टिश्यू सर्व्स एज बाइंडिंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू टिश्यू। किस टाइप के टिश्यू दूसरे टिश्यू को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर को बांधे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन नंबर सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर थर्ड नर्वस टिश्यू एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द मस्क्यूलर टिश्यू। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कनेक्टिव टिश्यू जो है एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, बांधे हुए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, मतलब नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है, सर्कोप्लाज, ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या है, कार्टिलेज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट हैं पहला एक्सॉन, दूसरा है माइलिन शीथ, तीसरा है नर्व सेल, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, क्योंकि न्यूरॉन में ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, एक्जॉन भी पाया जाता है, माइलिन शीथ भी पाया जाता है, नर्व सेल भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इन विच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, इसमें कितने टाइप्स के कार्टिलेज हैं। फर्स्ट इज द हाइलिन कार्टिलेज, सेकेंड इज द फाइबरस कार्टिलेज, थर्ड इज द इलास्टिक कार्टिलेज एंड फोर्थ इज द ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे कार्टिलेज ही हैं, हाइलिन कार्टिलेज भी है, फाइबरस कार्टिलेज भी है और इलास्टिक कार्टिलेज, ये सारे क्या है, कार्टिलेज के टाइप्स ही हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी मस्क्यूलर टिश्यू एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो मस्क्यूलर टिश्यू होता है उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होता है।